नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनू माथुर। सुशांत केस में ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का यूरोप टूर पहले से ही चर्चा में रहा है, क्योंकि रिया ने दावा किया था कि यूरोप ट्रिप में एक पेंटिंग को देखने के बाद सुशांत सिंह राजपूत अजीब बातें कर रहे थे। ऐसे में एक बार फिर ईडी को इस केस में यूरोप ट्रिप को लेकर कुछ ऐसा पता चला है जो कई सवाल खड़े करता है। ईडी की जांच में ये सामने आया है कि 3 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच रिया चक्रवर्ती ने 3 ऐसी मीटिंग्स की जिसमें रिया का भाई शोविक तो था लेकिन सुशांत सिंह राजपूत नहीं थे। इसलिए ईडी इस टूर को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है कि अगर ये टूर पर्सनल था तो इसमें रिया के भाई क्या कर रहे थे, और अगर ये प्रोफेशनल था तो मीटिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत मौजूद क्यों नहीं थे। सुशांत सिंह राजपूत की जाँच कर रही ईडी को पता चला है कि रिया और उनके भाई ने एक महीने के इस टूर में 3 खुफिया मीटिंग्स की है। जी हाँ दोस्तों, ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में यह नया खुलासा किया है कि यूरोप टूर के दौरान रिया चक्रवर्ती ने 3 अलग अलग जगह पे खुफिया मीटिंग्स की हैं। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में राजपूत की बड़ी बहन प्रियंका सिंह से भी पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में PMLA के तहत बयान दर्ज किया गया। इससे पहले रिया चक्रवर्ती से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का ये पर्सनल ट्रिप अगर इतना प्रोफेशनल था तो उसमें सुशांत सिंह राजपूत मौजूद क्यों नहीं थे, और रिया चक्रवर्ती ने 3 अलग अलग जगह पे 3 खुफिया मीटिंग्स क्यों और किसके कहने पर की, और इन मीटिंग्स में रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक क्या कर रहा था। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।